हेलो गाइस, आई एम बैक विथ न्यू अपडेट अबाउट किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे सेंड ए ऑफिशियल एप्लीकेशन टू PSG हायरार्की दैट ही वुड नॉट एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट फर्दर नेक्स्ट सीजन। दैट मीन्स ही लीव्स द क्लब नेक्स्ट ईयर एज ए फ्री एजेंट। एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ, पापा पेरेस से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि एम्बापे को कि आप लोग लाएंगे, तो पापा पेरेस ने रिप्लाई दिया कि नॉट दिस ईयर बट नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली। तभी से PSG कैंप पे एक खलबली मचा हुआ है। एम्बापे ने भी अपना प्रपोजल सबमिट कर दिया PSG को कि वो इस सीज़न के बाद लास्ट सीज़न एज ए फ्री एजेंट चला जाएगा। सो PSG की हायरार्की में एक टेंशन का जैसा बहुत ही बुरी हालत हो चुका है। वो लोग एम्बापे को एज ए फ्री एजेंट नहीं जाने देना चाहता है, इसलिए उन लोगों ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लो या फिर हम लोग तुम्हें सेल कर देंगे। एम्बापे ने लास्ट ईयर मतलब 15 जुलाई 2022 में ही बता दिया कि वो 2025 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेगा। लास्ट ईयर कतर में वर्ल्ड कप था, सो बहुत ज़ोर जबरदस्ती बड़ा बड़ा हायर की, कतर का प्रेसिडेंट, फ्रांस का प्रेसिडेंट सब मिल के फोर्स किया, इसलिए एम्बापे ने डर के मारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया था PSG के साथ। एंड पापा पेरेस को बता दिया कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण रियल मैड्रिड नहीं जॉइन कर पाया 2022 में। बट एम्बापेज मेन डेस्टिनेशन इज रियल मैड्रिड, ही हैव टू कम टू रियल मैड्रिड, दिस इज इनएविटेबल। सो दिस ईयर ही टोल्ड PSG मैनेजमेंट दैट ही विल लीव नेक्स्ट सीजन, बट आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़ PSG डोंट वॉन्ट टू गिव एम्बापे फ्री एजेंट, सो दे डिसाइड टू सेल एम्बापे दिस समर। बट दे हैव ए प्रॉब्लम विथ रियल मैड्रिड, सो दे डोंट वॉन्ट टू सेल टू हिम एट रियल मैड्रिड, बट एम्बापे ओनली वॉन्ट टू ज्वाइन रियल मैड्रिड। सो दिस ईयर द पॉसिबिलिटी इज हायर देन द एवर। अगर इस साल नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली आएगा। एंड बेंजेमा के जाने के बाद रियल मैड्रिड को भी एक स्ट्राइकर चाहिए, एंड एम्बापे तो ड्रीम क्लब है रियल मैड्रिड, सो दोनों के लिए ही बेनिफिट है। एम्बापे को PSG में रह के कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं। उसका राइवल हॉलैंड इस साल ट्रेबल जीत गया एंड बैलेंडर की रेस में आ गया, एंड एम्बापे सिर्फ PSG के लिए खेल के कुछ कर भी नहीं सकता। लीग वहाँ जीत रहा है एंड दे आर नेवर गोना विन चैम्पियंस लीग। मेसी तो इंटर में भी चला गया एंड मोस्ट प्रोबेबली नेमार भी जाएगा, सो एम्बापे अकेला कर ही क्या लेगा। सो उसके लिए भी बेस्ट डिसीजन होगा कि वो अपना ड्रीम क्लब मतलब रियल मैड्रिड ज्वाइन कर ले एंड रियल मैड्रिड को सभी ट्रॉफी जिता दे। सो रियल मैड्रिड एंड एम्बापे बोथ विल बी बेनिफिटेड बाय दिस डील। रियल मैड्रिड इस साल भी रेडी है एम्बापे को अपना टीम में लाने के लिए, पर देखना चाहता है कि PSG कितना सेलिंग अमाउंट डालते हैं। 2021 में ऑफिशियल बिड सबमिट किया था रियल मैड्रिड ने 2060 तक, बट PSG ने वो पूरा इनकार कर दिया। एंड 2022 में तो एम्बापे आना चाहता बट पॉलिटिकल प्रेशर के कारण नहीं आ पाया। इस साल भी एम्बापे के लिए रियल मैड्रिड अपना पैसा रेडी रखा है, जस्ट PSG भी तैयार हो जाए एम्बापे को सेल करने के लिए एंड एम्बापे के रास्ते का काटा ना बने एज एम्बापे ड्रीम टू ज्वाइन रियल मैड्रिड एंड इट्स इज इनएविटेबल थिंग। सो वो लोग भी एम्बापे को सेल करें एंड अपना प्रॉफिट कमाएं। एज ए रियल मैड्रिड फैन इट्स ग्रेट टू सी आवर अटैकर विनी एम्बापे एंड रोड्रिगो इन फ्रंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्यू डेज में अपडेट किया आता है, बट आई विश कि एम्बापे इस सीज़न आ जाए लाइक हिज आइडल। दो सीज़न रूमर्स आया था, ज्वाइन नहीं कर पाया था वेरियस रीजन, बट नेक्स्ट ईयर आ गया था, सो आई थिंक एम्बापे भी आ जाएगा हला मैड्रिड। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हला मैड्रिड। थैंक यू।